हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों एक बार फिर से नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक और बार स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहां पे जारी कर दिया गया है। दोस्तों अलग अलग वैकेंसी यहां पे शामिल की गई है, आप सभी लोग को यहां पे बताना चाहता हूं। स्टाफ नर्सेज के लिए रिक्रूटमेंट यहां पे आ चुका है। इसके अतिरिक्त यहां पे लैब टेक्नीशियन और फार्मेसिस्ट ग्रेड टू जैसी पोस्ट यहां पे शामिल की गई है। रेडियोग्राफर, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, ये वैकेंसी यहां पे रहने वाली है। और अंत में यहां पे वाहन चालक, वार्ड बॉय और सिक्योरिटी गार्ड, ये वैकेंसीज भी यहां पे सम्मिलित कर ली गई हैं। आठवीं कक्षा भी अगर आप लोग यहां पे पास हैं, एट्थ क्लास अगर आप लोग यहां पे उत्तीर्ण हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग यहां पे आवेदन कर सकते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती यहां पे रहने वाली है, सभी राज्य के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, ये जो पूरा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, हेडिंग आप सभी लोग यहां पे पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा, और देखिए छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत ये NHM भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। संविदा आधार पे जो है ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। सीधी भर्ती यहाँ पे रहेगी, डायरेक्ट ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहेगा, और हाल ही में ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको यहाँ पे दे दी गई है किस तरीके से आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहने वाली है, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई है, एज क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन के तौर पे योग्यता आपसे यहाँ पे क्या क्या मांगा जाने वाला है अप्लाई करने के लिए, पर मंथ बेसिस पे सैलरी आपको यहाँ पे कितनी दी जाएगी, और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ मात्र जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे भरकर यहाँ पे भेजना होगा। और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की ओर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज करनी है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे वीडियो में मिलने वाली है। और अप्लाई करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं सारी जानकारी आप लोग यहाँ पे इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। ऑल इंडिया भर्ती यहाँ पे रहने वाली है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और देख पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है हमारे यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाली है सरकारी भर्ती की, अब आपसे यहाँ पे जानकारी ना छूटे, इसके लिए क्या करना होगा, अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें, और स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जिला सुकमा के अंतर्गत जिला अस्पताल में, या फिर देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, या फिर देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, कहने वाली बात है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या फिर देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, या फिर देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाके आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को बोला जा रहा है सीधी भर्ती यहाँ पर रहेगी, कोई भी आपका जो है यहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं है, मात्र जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और सीधी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। अब बढ़ जाते हैं अपनी वैकेंसी टेबल की ओर, और देखिए वैकेंसी टेबल में सबसे पहली पोस्ट यहां पर जो शामिल की गई है, बिल्कुल आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है विशेषज्ञ जो यहां पर रहेंगे शिशु रोग विशेषज्ञ, उनके लिए वैकेंसी है। और यहां पर देखिए दो पद यहां पर शामिल किए गए, 2,10,000 रुपए यहां पर वेतन दिया जाएगा, MD होना जरूरी है पीडियाट्रिक से, तो बिल्कुल आप सभी लोग यहां पर आवेदन करें। अगली जो वैकेंसी है वो रहेगी यहां पर देखिए स्त्री रोग विशेषज्ञ की, एक पद यहां पर शामिल किया है, 2,10,000 रुपए आपको यहां पर वेतन दिया जाएगा, MD होना जरूरी है गायनिक से। और यहां पर देखिए मेडिसिन विशेषज्ञ के लिए वैकेंसी है, और यहां पर देखिए एक पद यहां पर शामिल किया है, 2,10,000 रुपए यहां पर वेतन मिलने वाला है, और देखिए MD होना जरूरी है मेडिसिन फील्ड से। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों ये रहेगी यहाँ पे देखिए पैथोलॉजिस्ट की, और यहाँ पे एक पद यहाँ पे शामिल किया है, 2,10,000 रुपये जो है यहाँ पे वेतन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और देखिए MD होना जरूरी है पैथोलॉजी से। यहाँ पे देखिए DCP का अगर आपके पास यहाँ पे कोर्स है तो बिल्कुल आवेदन करें। और यहाँ पे देखिए रेडियोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, एक पद यहाँ पे शामिल किया है, और देखिए 2,10,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा, MD होना आपको यहाँ पे जरूरी है। और देखिए डिप्लोमा अगर आपके पास है रेडियोलॉजी का तो भी बिल्कुल आप लोग यहाँ पे आवेदन करें। चिकित्सा अधिकारी, कहने वाली बात है मेडिकल ऑफिसर की अगली वैकेंसी है, 6 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं, और 1,25,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए MBBS मात्र आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है, MBBS की डिग्री है तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी यहाँ पे जो शामिल की गई है, ये देखिए पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत है, और देखिए रेडियोग्राफर की अगली वैकेंसी है, 3 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं, 15,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा, 12th क्लास पास होना जरूरी है, और देखिए रेडियोग्राफी पैरामेडिकल कोर्स आपके पास होना यहाँ पे जरूरी बोला जा रहा है। और देखिए लैब टेक्नीशियन की अगली वैकेंसी है, और देखिए 10 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं, 15,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा, और देखिए 12th क्लास पास होना जरूरी है। डिप्लोमा जो यहाँ पे रहता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का तो बिल्कुल अगर आपके पास ये है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 की अगली वैकेंसी है दोस्तों, और देखिए 10 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं, और 13,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। और देखिए बी फार्मा या फिर डी फार्मा वाले कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, डिप्लोमा हो या फिर देखिए फार्मेसी का अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी कोर्स हो तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। स्टाफ नर्सेज के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, 15 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं, और 15,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट आवेदन करें, और देखिए अगर आपके पास यहाँ पे GNM का डिप्लोमा है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर की अगली वैकेंसी है, 6 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं,
और 10,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। 12th क्लास पास होना जरूरी है। और देखिए ड्रेसर ट्रेनिंग कोर्स जो यहाँ पे रहता है, तो अगर आपके पास ये है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वाहन चालक के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। और यहाँ पे देखिए 8वीं कक्षा पास होना, सॉरी देखिए 8 पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई हैं। और देखिए 10,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा, 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पे होना जरूरी है, कहने वाली बात है। भारी जो यहाँ पे वाहन रहते हैं उसको चलाने का जो है आपके पास यहाँ पे अनुभव हो और यहाँ पे लाइसेंस होना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए वार्ड बॉय के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, 7 पद यहाँ पे शामिल किए गए, 8,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। मात्र जो है 8th क्लास अगर आप लोग यहाँ पे पास है तो बिल्कुल अप्लाई करें, कोई भी एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। अंतिम जो वैकेंसी है वो रहेगी यहाँ पे देखिए सुरक्षा गार्ड की, 6 पद यहाँ पे शामिल किए गए, 8,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। 8th क्लास अगर आप लोग यहाँ पे पास है बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको रिक्त पदों का विवरण आपको यहाँ पे समझाया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए इसी PDF में आप सभी लोग को नीचे की तरफ एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करी जाएंगी, आपको अपना फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पे अपना चिपकाएंगे। और देखिए उसके बाद जो है आप लोग अपनी पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखें। और देखिए जो भी आपका नाम है 10वीं की मार्कशीट में, जो भी आपकी मार्कशीट्स में आपका नाम दर्ज है वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और देखिए 1 जनवरी 2020 की स्थिति में आपकी कितनी आयु हो गई है तो ये आयु आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो अगला कॉलम है वो रहेगा आपकी कैटेगरी का, जो भी आपकी कैटेगरी है, अंडरदर्व है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, जो भी है आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करें। स्थायी पता, जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस है वो लोग आप लोग यहाँ पे फिल करें। और देखिए रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, कहने वाली बात है जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है तो ये आप लोग यहाँ पे फिल करें। और देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे आपका पैरामेडिकल काउंसिल का, या फिर देखिए नर्सिंग काउंसिल का, या फिर देखिए इंडियन मेडिकल काउंसिल का है, तो वो आप लोग यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन से आप लोग यहाँ पे देख के रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दें। अगली जो डिटेल है वो भरी जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आप लोग 10वीं कक्षा की डिटेल्स आप लोग यहाँ पे फिल कर दें, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से संस्था से किया है, और उत्तीर्ण वर्ष आपका यहाँ पे क्या रहा है, और देखिए कितने में से कितने अंक आप लोगों ने प्राप्त किए हैं, कितना प्रतिशत आपका ये रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग दें। इसी के साथ साथ 12th क्लास की आप लोग यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी आपका यहाँ पे डिप्लोमा है, जो भी आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन है, जो भी आपका यहाँ पे कोर्स है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे दें, और कौन से बोर्ड से है, कौन से संस्था से है, और देखिए उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे क्या है, और कितने में से कितने अंक आप लोग यहाँ पे प्राप्त किए हैं, कितना आपका यहाँ पे प्रतिशत रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे फिल करें। कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे दें। और देखिए प्रति वर्ष के अनुसार जो है आप लोग अपना यहाँ पे कार्य अनुभव लिख सकते हैं, कितने वर्ष का ये आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो ये जानकारी आप लोग यहाँ पे लिख दें। और आप लोग ये पूरी जानकारी रीड करें, जो भी आपका जानकारी आप जो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल सही है, सत्य है, और जो भी जिम्मेदारी है आप लोग यहाँ पे स्वयं उठाएंगे, इसकी जानकारी का ये उल्लेख यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जा रही है। और देखिए आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का जो है दस्तावेज आपको यहाँ पे संकलन नहीं करना है, मात्र जो है यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है सेंड करना होगा, और यहाँ पे कोई भी फोटोकॉपी का सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराना है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट में देखिए आप लोग जो है अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, और जो भी आपका सिग्नेचर है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे करना है, और देखिए इसी के नीचे आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है और आपका मोबाइल नंबर, ये आप लोगों को जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है। तो इस हिसाब से जो है आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग यहाँ पे फिल कर पाएंगे। और दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को यहाँ पे भर के भेज देना है। और दोस्तों सबसे ऊपर की तरफ देखिए आपको यहाँ पे डेट दी जा रही है, 15 सितंबर 2020 को शाम के 5:30 बजे तक का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, और इस ईमेल आईडी पे आप लोगों को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। तो ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे देख लें, ये ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दी गई है, आप सभी लोग जो है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस पे यहाँ पे सेंड कर दें। और देखिए किसी और माध्यम से जो है आप लोग अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे, ईमेल आईडी जो आपको यहाँ पे दी जा रही है इसी के माध्यम से जो है आप लोग यहाँ पे 15 सितंबर 2020 शाम के 5:30 बजे तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर दें, ईमेल आईडी पे मेल कर दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया की। तो देखिए एज के लिए आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे दिया जा रहा है, जो भी आपका यहाँ पे आयु जो है तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष आपके यहाँ पे आयु होना चाहिए, और देखिए 64 वर्ष से अधिक उम्र आपको यहाँ पे ना हो, कहने वाली बात है 18 से 64 वर्ष वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ये एज क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पे रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाते हैं अपनी अगली इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं, आप सभी लोग जान लें। देखिए वैकेंसी टेबल में 1 से लेकर 6 तक जितनी भी पोस्ट शामिल की गई हैं इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के कैंडिडेट तो अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही साथ देखिए अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी समान अवसर यहाँ पे इनको दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे वैकेंसी टेबल में 7 से लेकर 9 तक जो यहाँ पे पोस्ट शामिल की गई हैं केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी यहाँ पे पात्र होंगे। और देखिए लास्ट जो यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे देखिए 10वें नंबर की जो यहाँ पे पोस्ट जो यहाँ पे शामिल की गई है इसमें सुकमा जिले के मूल निवासियों को यहाँ पे प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। और देखिए 11 से लेकर
14 तक जो यहाँ पे पोस्ट शामिल की गई हैं वैकेंसी टेबल में, यहाँ पे सुकमा जिले के मूल निवासी को ही यहाँ पे पात्र होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है। और यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट अगर आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप लोग यहाँ पे सेंड करते हैं तो देखिए आप लोग जो है अपात्र यहाँ पे माने जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस भी आप सभी लोग यहाँ पे जान लें। देखिए यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रखा गया है, 1 से लेकर 6 पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई हैं वैकेंसी टेबल में। आप सभी लोग यहाँ पे ईमेल द्वारा आप लोग यहाँ पे अपना आवेदन करेंगे। और देखिए बोला जा रहा है आवेदन में दिए गई जानकारी के आधार पर मेरिट का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा। जो भी आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में उसी हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। और बोला जा रहा है 1:2 के आधार पर जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जा सकता है। कहने वाली बात है 1:2 यहाँ पे रहेगा, 1 सीट पे 2 कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो 7 से लेकर 14 तक जो यहाँ पे पोस्ट जो यहाँ पे शामिल की गई हैं आप लोग यहाँ पे ईमेल के माध्यम से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सेंड करेंगे। और देखिए आप लोगों को भी यही सेम इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है 1:2 के रेशियो में आपको जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा। मीन्स 1 सीट पे 2 कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जा सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे भेजेंगे उसी हिसाब से जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। और नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है चयन का प्रक्रिया। मीन्स 1 से लेकर 6 तक जितनी भी पोस्ट हैं 70% अंक जो है आपकी क्वालिफिकेशन से लिया जाएगा, 10% अंक जो है यहाँ पे वो रहेगा आपके अनुभव से, और देखिए 20% जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पे और यहाँ पे रहने वाला। और देखिए बाकी की जितनी भी पोस्ट हैं 90% जो यहाँ पे है आपका योग्यता से लिया जाएगा, 10% जो है आपका अनुभव से यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और PDF भी मैंने जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी प्रोवाइड करा दी। वीडियो के नीचे जाएं आप सब लोग यहाँ पे PDF आप लोग अपने स्क्रीन पे यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी। और दोस्तों देखिए ये जो वैकेंसीज हैं जिला हॉस्पिटल में आपको यहाँ पे दी जाएगी। कहने वाली बात है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो यहाँ पे रहते हैं और देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे देखिए सब हेल्थ सेंटर्स जो यहाँ पे रहते हैं स्वास्थ्य विभाग में यहीं पे जाके आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। आप सभी लोग को मात्र जो है अभी यहाँ पे अप्लाई करना है। जो भी आपका यहाँ पे डिसीजन रहेगा आपको ज्वाइनिंग करनी है या नहीं करनी है तो वो बात की बात यहाँ पे रहेगी। अभी जो है आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है ईमेल आईडी पे यहाँ पे सेंड कर दें और 15 सितंबर 2020 तक का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कुछ ना कुछ अगर डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और लाइक कर दें सबसे पहले इस वीडियो को। दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे वीडियो से मिली तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे आपको मिलती रहे तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें और स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।